Yes, welcome back, friends. This is me, Sadiq Hussain. Thank you for clicking here. And today we will start again our lectures from Transport in Man. And today the Transport in Man का जो हमारा दूसरा पोर्शन है, जिसके अंदर हमने ब्लड सेल को स्टडी करना है, आज हम उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे. इसके अंदर ब्लड सेल कौन-कौन से हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कहाँ पे मेन के अंदर उनकी तादाद क्या होती है, फीमेल के अंदर उनकी तादाद क्या होती है. सो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. सो चलें शुरू करते हैं. जी, वेलकम बैक. अगर आपने अभी तक बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें. और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट इन मैन का अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर के अंदर एक आई का बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और उस लेक्चर के लिंक है तो पहले वो देख लीजिएगा और उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आइएगा. तो चलिए मूव शुरू करते हैं जी. ब्लड सेल्स के बारे से हमने बात की थी कल के, जब हमारा जो ह्यूमन ब्लड है इसके अंदर जो है ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ सेल या सेल लाइक बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो वही सेल लाइक ब्लड बॉडीज जो होती हैं उन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं. तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं. फर्स्ट वन जो होता है जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं. आरबीसीज का मतलब ये होता है रेड ब्लड सेल्स. इसी के साथ डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स. और थर्ड जो होता है वहाँ पे होते हैं प्लेटलेट्स. सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. सो इन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. सो ई आर वाई एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, वाइल द वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नेम्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड द रिमेनिंग वन, द थर्ड वन है आपके पास प्लेटलेट्स, दे आर नेम्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स. सो दीज आर द कॉमन थ्री टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स विच आर नेम्ड एज एरिथ्रोसाइट्स अलॉन्ग विथ देयर इज आर डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स विच आर नेम्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स थर्ड वन आर दे आर ऑल्सो नेम्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. सो अब हम इनको फर्दर वन बाई वन जो है वो स्टडी करते हैं, वन बाई वन देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन जो स्टडी करना है हमने वो है रेड ब्लड सेल्स, जिनको हमने नाम दिया है आरबीसीज का, या इसके साथ साथ इसे हमने क्या नाम दिया है एरिथ्रोसाइट्स का. तो अगर इनकी कुछ सॉरी पहले प्रॉपर्टीज़ को देखें तो दे आर मैनी इन नंबर्स. बहुत से जो हैं एक ब्लड सेल्स के अंदर जो है सॉरी ब्लड के अंदर बहुत से रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनकी क्वांटिटी के हवाले से बात करेंगे तो अगर इनका 1 मिली क्यूब जो है वो लिया जाए इन मैन, तो वहाँ पे जो है मैन मीन जो नो हेयर आई विल टॉक अबाउट द जेंडर मैन एंड फीमेल, ये मीन मेल एंड फीमेल. सो इसको मेल एंड फीमेल कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा. मैन सॉरी मेल के अंदर जो है वो 5 से 5.5 मिलियन जो है आरबीसीज होते हैं विद इन 1 क्यूबिक मीटर. और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर ये जो क्वान्टिटी है ये 4 से 4.5 जो है वो मिलियन एग्जिस्ट करते हैं विद इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है, तो इसके बाद ये हो गई. उसके साथ साथ उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ की पहली ये है कि जब जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स के अंदर, जब ये इमेच्योर होते हैं तो उस टाइम प्रेजेंट होता है. ठीक है, इमेच्योर का मतलब ये है कि जब जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये शुरू में बनते हैं तो उस टाइम पे इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. लेकिन जैसे ही ये यहाँ से ग्रो करके अडल्ट की तरफ आते हैं और ब्लड के अंदर आते हैं तो उस टाइम पे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिग्रेड हो जाता है. तो ये इसके अंदर आपने याद रखना है. उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम के हवाले से हम बात करें हैं इनके वॉल्यूम के हवाले से, तो इनके अंदर 95% जो होती है वो हीमोग्लोबिन होती है. ठीक है, हीमोग्लोबिन के हवाले से जैसे अगर आप जानते हैं कि
इनका मेन फंक्शन जो है प्रोटीन है, जो कि गैसेस को जिसके अंदर CO2 और O जो है इसको ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। सो 95% जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जबकि जो रिमेनिंग 5% है, जो रिमेनिंग 5% है वो इसके अंदर साल्ट्स, उसके साथ साथ इंजाइम, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये 5% होती हैं टोटल नंबर। इसके अलावा कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, तो इनकी जो शेप है उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनकी शेप बाई कनकेव इन नेचर होती है, ठीक है। जैसे कि आप कनकेव और कन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनकी जो शेप होती है वो बाई कनकेव होती है, ठीक है। और इनकी मेम्ब्रेन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, इलास्टिक इन नेचर इनकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये बात भी हमारे पास होगी, दो इनकी प्रॉपर्टीज़। उसके साथ साथ इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो जब फीटल एज होती है, फीटल एज के अंदर, लाइक जब कोई एक एम्ब्रियो है या एक फीटस है, तो फीटल टाइम के अंदर जो इनकी फॉर्मेशन है रेड ब्लड सेल्स की, वो मेनली लिवर और स्प्लीन के अंदर जो होती है, लिवर एंड स्प्लीन। तो फीटल स्टेज पे जो है यहाँ पे लिवर और स्प्लीन के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, और जैसे ही अडल्ट आते हैं तो अडल्ट के अंदर जो है इनकी जो बोन मैरो है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अडल्ट अडल्ट के अंदर जो है ये बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है फ्लैट बोन्स जो होती हैं, फ्लैट बोन कौन सी होती हैं, फ्लैट बोन्स उन बोन्स को कहा जाता है जिनकी शेप जो है वो इलांगेटेड होती है। तो इसके अंदर तीन आती हैं, पहला आपके पास स्टर्नम है, इस बोन के अंदर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। उसके साथ साथ स्टर्नम के साथ यहाँ पे रिब्स होती हैं, तो रिब्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, एंड अलॉन्ग रिब्स जो है इनकी फॉर्मेशन होती है वो वर्टिब्राई के अंदर होती है। तो जब अडल्ट आ जाएंगे तो अडल्ट के केस में इनकी जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो, उसके साथ साथ स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्राई में आएगी। और जब एक एम्ब्रियो जो है या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फीटल स्टेज पे होता है, तो उस टाइम पे जो इनकी फॉर्मेशन है वो लिवर और स्प्लेन के अंदर होती है। अगर इनकी एज के हवाले से हम बात करेंगे तो एवरेज एज जो है रेड ब्लड सेल्स की, एवरेज एज रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज एज है वो बेसिकली 120 डेज होती है, ठीक है। और 120 डेज के बाद क्या होता है, 120 डेज के बाद इसके ऊपर फैगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाती है, और फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं वो सेल्स इनको इंगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स, जिसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की, और उसके साथ साथ हमने कुछ उनकी शेप्स के हवाले से बात की। तो बाई कनकेव इन नेचर है, मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होती है, फीटल के अंदर ये लिवर और स्प्लीन के अंदर बनाए जाते हैं, जबकि जब अडल्ट आता है तो वहाँ पे ये फ्लैट बोन जो होती हैं या उसके साथ साथ बोन मैरो जो होता है वहाँ पे बनाया जाता है, और इनकी एवरेज एज जो है वो 120 डेज है। और इमेच्योर स्टेज पे यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं एग्जिस्ट कर सॉरी एग्जिस्ट करता है, और जब ये मेच्योर होते हैं और साइटोप्लाज्म या ब्लड के अंदर आते हैं तो वहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस है वो एंड कर दिया जाता है, या सॉरी डिग्रेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ये थी रेड ब्लड सेल्स। बहुत जल्द अगली वीडियो में हम व्हाइट ब्लड सेल के साथ आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।